हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूबर बॉय हेल्प। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीटा एप्लीकेशन का कंप्लीट कोर्स फ्री में आपको देने का वादा किया था। तो इस वीडियो में मैं आप बीटा का कंप्लीट कोर्स के बारे में बताऊंगा, आपको फ्री में बताऊंगा गाइस, किस टूल से क्या होगा, टूल बोल सकते हैं या फीचर बोल सकते हैं, जितना बीटा में दिया है, किससे कट लगता है, किससे एनिमेशन लगाएंगे और किससे की फ्रेम लगाएंगे, और थ्री लेयर वाली वीडियो कैसे बनाना, टू लेयर वाली वीडियो कैसे बनाना है गाइस, पूरा डिटेल से बताएंगे गाइस। अगर आप बीएन यूज करते हैं या इंसर्ट यूज करते हैं, ऊपर हम कोर्स बना दिए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। बीएन एप्लीकेशन का मैंने 40 मिनट में पूरा फ्री में आपको कोर्स दिया हूँ। 40 मिनट में जितना बीएन का टूल या फीचर बोल सकते हैं, मैंने सब के बारे में बता दिया हूँ। ये वाली वीडियो है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इंसर्ट के लिए मैं 39 मिनट की वीडियो बनाया हूँ, उसमें जितना इंसर्ट का टूल या फीचर बोल सकते हैं, मैंने सब के बारे में बता दिया हूँ किस फीचर से क्या होता है। तो ये वाली वीडियो है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना है, इंसर्ट एप्लीकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना है और एक बीएन एप्लीकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से बीएन के बारे में देख सकते हैं, इंसर्ट के बारे में देख सकते हैं। अगर आप कैपकट यूज करते हैं तो कैपकट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी तक मैंने 13 वीडियो बना दिया हूँ कैपकट के ऊपर, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बीटा एप्लीकेशन का कोर्स के बारे में बात करेंगे गाइस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ बीटा को कैसे इंस्टॉल करना है गाइस। अगर आपके फोन में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है गाइस। तो आपको क्या करना है, ये वाली वीडियो देखना है, बीटा को इंस्टॉल कैसे करना है और बीटा का वाटरमार्क कैसे रिमूव करना है, ठीक है। ये वाली वीडियो देख लेना, आपको 1.5 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो देखने में आपका 2 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये जानेंगे आप बीटा को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। आपका दूसरा फायदा ये है कि आप जब वीडियो को एडिट करते हैं तो उसमें वाटरमार्क आ जाता है। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको सेटिंग बताई जाएगी, कहाँ सेटिंग करना है कि आपकी वीडियो में वाटरमार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पूरा देख लेना, ठीक है। गाइस, अब हम आपको बताते हैं अपनी वीडियो को बीटा में कैसे ले जाएंगे, ठीक है, या इंपोर्ट द वीडियो बोल सकते हैं, ठीक है। बीटा पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप नई वीडियो को एडिट करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप जो वीडियो एडिटिंग पहले से कर चुकेंगे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारी इंसर्ट वाली वीडियो दी गई है, तो इस वीडियो को हम एडिट कर चुके हैं और इंपोर्ट भी कर चुके हैं, ठीक है, और वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं, ठीक है। 550 व्यूज इसमें आ गए हैं गाइस। तो इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीटा में आपको हमारा 1000 व्यूज एक दिन में देना है और 100 लाइक, ठीक मेरे दोस्त। तो देखिए, आपको नए वीडियो को एडिट करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ देखिए आल आल पे क्लिक करेंगे तो फोटो और वीडियो दोनों मिलेगी, ठीक गाइस। और वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसमें सीरीज जितना आएगा ये वीडियो हमारा सिर्फ वीडियो खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इमेज जितना आप ये इसमें जितनी आपकी फोटो होगी आप यहाँ देखेंगे, ठीक गाइस। तो स्टॉक वीडियो यहाँ से आप जो आपको अच्छा लगे, जो आप यहाँ बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक मेरे दोस्त। यहाँ बहुत सारे दिए गए, ये देखिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे इंट्रो आउट्रो दिए गए तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ डाउनलोड कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, यहाँ भी वीडियो एडिट हो सकती है, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे दिए गए, इसमें बहुत सारे दिए गए, यहाँ से जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ यूज कर लेना, ठीक मेरे दोस्त। इसके बारे में बता दिए, तो आते हैं हम वीडियो। अब देखिए, आपको जो जो वीडियो एडिटिंग करना है आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे ये वाली वीडियो क्लिक करना है, इसको एडिट करना है, ठीक है। जो जो आपको एडिट करना है, ये वाली करना है, ये वाली, ठीक है। तो 4 हो गया है, अगर 4 लेना, जितनी वीडियो आपको एडिट करना हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कर देना है, ये प्रोसेसिंग होने लगेगा, 100 तक जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, प्रोसेसिंग हो जाएगा। ये देखिएगा, इस प्रोसेसिंग हो गया है। ये देखिए, हमने 4 वीडियो लिया है, ये देखिए 1, 2, 3 और एक, ये हमारी 4 वीडियो, ये देखिए, देख लीजिए वीडियो, ये देखिए वीडियो देख लीजिए गाइस, ये देखिए गाइस वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मेरी वीडियो है गाइस। इसको मैं कैपकट से एडिट किया हूँ। अगर आप भी कैपकट से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको कैपकट के बारे में हमने डिटेल से बता दिए हैं। कैपकट का भी कोर्स बनेगा, कल बनेगा, ठीक गाइस। ये वीडियो उस समय की ही है गाइस जब मैं वीडियो एडिटिंग सीखने जाया करता था, ठीक है।
तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा किया हूँ, लेकिन आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आप हमारी वीडियो देखकर अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़ोन से वीडियो एडिटिंग बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं पीसी से वीडियो एडिटिंग बताऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा कोर्स किया हूँ, बहुत सारे पैसे भी खर्चा किया हूँ वीडियो एडिटिंग के पीछे। ठीक है, तो ये बहुत सारे देखिए टूल दिए गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से आते हैं, देखिए पहला फीचर तो ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप ये कोई खास नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरे पे आते हैं, यहाँ से कट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ अपनी वीडियो में स्प्लिट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो को स्प्लिट का मतलब है तो वीडियो में कट लगाना। ठीक है, तो यहाँ कैंची का ऑप्शन एक देख रहे हैं, कैंची पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, जहाँ तक आपको कट करना है ये वीडियो को ले जाना है, यहाँ देखिए स्प्लिट लिखा है, स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर इस पार्ट को आपको डिलीट करना है। ठीक है, इस पार्ट पर क्लिक करना है, यहाँ देखिए डिलीट है, यहाँ पर क्लिक करना डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये लास्ट में कट करना है तो आना है यहाँ स्प्लिट कर देना, फिर इसको डिलीट कर देना। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, अब हमें लगता है बीच में हमारा वीडियो गलत है, तो बीच में कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ये जहाँ तक आपको मान लेते हैं गलत है वहाँ तक ले जाएंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, फिर ये बीच वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आइएगा इसमें आपको बता देता हूँ ट्रिम क्या होता है। ठीक है, ट्रिम का मतलब ये होता है वीडियो के यहाँ क्लिक करेंगे गाइस, ट्रिम का मतलब ये होता है आप वीडियो के शुरू में कट लगा सकते हैं और वीडियो के लास्ट में कट लगा सकते हैं। ठीक, जैसे इसको दबाना है, ये देखिए जहां तक कट करना है इसको ले जाना, छोड़ देना। ठीक है, ये शुरू में कट लग गया है, हमें लास्ट में कट लगाना है, तो इसको ले हल्के दबाना है, ये दूसरे पे टच हो जाता है, तो इसको यहां तक लाना है जहां तक ट्रिम करना हो। ठीक है, ये देखिए तो ये हो गया। ठीक है, ये देखिए छोटी कट गया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आप अपने वीडियो म्यूजिक को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक साउंड का ऑप्शन दिया गया है, साउंड पे क्लिक करना है, यहाँ देखिए म्यूजिक इफेक्ट रिकॉर्ड, तो इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम म्यूजिक कैसे लगाना वीडियो में, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ देखिए बहुत सारे म्यूजिक इसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, आपको इसमें जो यूज करना है, आप मान लेते ये वाली यूज करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ प्लस पे क्लिक कर देना, ये देखिए लग गई। ठीक है, ये देखिए म्यूजिक लग गई है। अगर आप म्यूजिक की आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप कम कर देंगे तो म्यूजिक हल्का हल्का बोलेगा, और इसको बढ़ा देंगे म्यूजिक की आवाज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम हल्का सी लेते हैं, जब भी आप अपने म्यूजिक यूज करें तो हल्का सी म्यूजिक लेना है। ठीक है, यहाँ डन कर दें। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ अपने वीडियो में अपनी वॉइस ओवर को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया गया है रिकॉर्ड का, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, अलाउ कर देते हैं, तो यहाँ जो बोलेंगे यूज रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल यूट्यूबर बॉय हेल्प, और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये लग गया। ठीक है, देखते हैं। जैसे इसकी आवाज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो ये आवाज़ बढ़ गई है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ अपने वीडियो में टेस्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया गया है टेस्ट, तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप जो लिखेंगे वो लिख जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम यूट्यूबर बॉय हेल्प। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टाइल माने फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते, कैप्शन कर सकते हैं, टाइटल एनिमेशन। ठीक है, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक कर देंगे, देखिए फिर इस पर क्लिक करेंगे, तो मैं ये तरीका दो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है, एडिट का ऑप्शन में आएंगे, सबसे पहले हम फॉन्ट पे यहाँ से देखिए बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ डाउनलोड करेंगे फिर यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डाउन, ये देखिए लग गया है। स्टाइल पर आएंगे तो इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत सारे, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाटा खोलेंगे तभी। जैसे ये देखिए मुझे ब्लैक पसंद है, ये देखिए लग गया। ठीक है, देखिए ये बैकग्राउंड लिख कर खुद आएगा। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट के कलर बदला जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ से ये देखिए जो कलर आप रखना चाहते हैं, ब्लैक में का पीला ही अच्छा लगता है। ठीक है, या तो यहाँ से बहुत सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कप्सन, तो यहाँ कलर वाली मिलेंगे आपको, ये जैसे ले लेते हैं, ये देखिए लिख गया है, तो आपको जो कलर आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगे आप यही चूज कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं कहीं पर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए टेस्ट लिखा गया, जी जी इस पर ये डाउनलोड करते हैं।
ये देखिए आपको जो अच्छा लगे आप इसको यूज करेंगे, इसको यूज कर लेते हैं। ये देखिए स्टाइल में लिखा जाएगा, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, फिंगर को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, फिर इसको आप सेट करेंगे, ठीक है। एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन यहाँ देखिए, फ्रेम इन फ्रेम आउट लूप। फ्रेम इन का मतलब होता है आप अपने टेस्ट में शुरू में एनिमेशन लगाएंगे, फ्रेम आउट का मतलब ये होता है आप अपने टेस्ट के लास्ट में एनिमेशन लगाएंगे, और लूप का मतलब ये होता है गाइस आप अपने पूरे टेस्ट में एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इन में लगा देता हूँ ये वाला, ये देखिए, ठीक है, आउट में लगा देता हूँ ये वाला, ये देखिए, ठीक है, और लूप में लगा देंगे तो पूरे घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लूप वाला मैं नहीं यूज करता हूँ, आप भी ना यूज कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे ये टेस्ट लग गया, अब एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक गाइस, देखिए कितना तगड़ा है ना, तो ये लग गया है। आए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ अपने वीडियो में स्टिकर को कैसे यूज करना है। गाइस स्टिकर में आपका लोगो भी हो सकता है, सब्सक्राइब का हो सकता है, लाइक का हो सकता है, फॉलो का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो स्टिकर पर क्लिक करना है, यहाँ देखिए स्टिकर, ये देखिए बहुत सारे स्टिकर खुल गए हैं, तो ये मुझे सब्सक्राइब वाला लगाना है, तो मैं सब्सक्राइब वाला यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए आप इसको जहाँ यूज कर रहेंगे, जहाँ रख देंगे वहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको डन कर देना है, यहाँ देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, आपको जो अच्छे लगे यूज कर लेना है, आप खुद चेक करना है भाई, क्योंकि आप किस टाइप के वीडियो बनाते हैं उसे हिसाब से आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। आप लव स्टोरी वाली वीडियो बनाते हैं या फ्रैंक वीडियो बनाते हैं तो यहाँ बहुत सारे स्टिकर दिए गए हैं, टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो यहाँ बहुत सारे स्टिकर दिए गए, आप यहाँ यूज कर लेना। यहाँ देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, तो यहाँ से आप यूज करेंगे। जैसे ये सब्सक्राइब वाला है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ से खींचेंगे ये बढ़ जाएगा, ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखिए वीडियो देख लेते हैं, ये देखिए सब्सक्राइब का आ गया हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने वीडियो में इफेक्ट को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इफेक्ट पे क्लिक करना है, फेस इफेक्ट और इफेक्ट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम फेस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, आपको जो यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे खुलने लगे हैं, जब आप डाटा खोलेंगे तभी ये सब खुलेगा, ठीक मेरे दोस्त। तो ये वाला मुझे जैसे अच्छा लग रहा है, हेलो ब्लर, तो ये देख लेते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ये देखिए, आप देखिए आपका चेहरा कुछ समय के लिए ब्लर हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया है। अब देख लीजिए इसमें बहुत सारे दिए, फेस के लिए देख लेते हैं, बहुत सारे यहाँ दिए गए हैं, ये देखिए बहुत सारे दिए गए हैं फेस, ठीक है गाइस, आपको इसमें जो अच्छा लगे आप यूज कर लेना है। जैसे मुझे ये मान लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ये देखिए, अब देखिए दोनों इफेक्ट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत सारी रील आपने देखी होगी, ये देखिए ये होते हैं सब इफेक्ट, आपको बता देता हूँ आप अपने वीडियो के ऊपर वीडियो लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, अपने चैनल के लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए एक ऑप्शन दिया जाता है, आप जैसे बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे, हम बोलते हैं कि ये वाली वीडियो देख लीजिए, ये वाली वीडियो, तो हमारा जो बताएंगे वो चीज़ यहाँ आ जाता है। तो ये वाली वीडियो कैसे बनाते हैं गाइस, यहाँ देखिए PIP का ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको जो लगाना होगा आप लगा सकते हैं। जैसे ये वाली मैं ले लेता हूँ इंसर्ट, ठीक है, ये हमारी इंसर्ट के कोर्स की वीडियो है, तो इसको आप जहाँ मन चाहे आप यहाँ यूज कर सकते हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंसर्ट एप्लीकेशन का कोर्स है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, ये बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बात किया जाता है, जैसे कुछ चीज़ आपको दिखाना हो, किसी के बारे में बताना हो, तो आप उसका फोटो यहाँ लगा के आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक मेरे दोस्त। तो ये हो गया, तो ये देखिए अभी अच्छे से दिखेगा नहीं, क्लिक हो जाए यार, अभी देखिए इसमें हम इफेक्ट लगाएंगे, ठीक गाइस। तो जो टिन टून, जैसे इसकी आवाज़ आएगी टिन खींच पिच जो आता है ना, तो यहीं से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको बैक थोड़ा जाना है, और यहाँ देखिए आपको एक साउंड का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ देखिए इफेक्ट दिया गया है, इफेक्ट पे आना है, तो आपको जैसे कैमरे का,
इसकी आवाज बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ये आप कुछ लिखेंगे तो इसकी आवाज़ लगाएंगे, तो आप जैसे मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ, यहाँ देखिए बहुत सारे गोली की आवाज़ मिलेगी आपको। जैसे ये देखिए, आप अगर ये देखिए इसको लगा देंगे तो ये लग जाएगा। ठीक मेरे दोस्त, जैसे ये देख लेते हैं, ठीक है ये होता है। ठीक है, जैसे आप फायरिंग कर रहे हैं, फ्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप गोली तो आप रियल में चलाएंगे नहीं। जब आप कहीं फारा खुरक में वीडियो जाएंगे शूट करने तो वहाँ रियल में गोली तो चलाते नहीं, बस आप करेंगे और यहाँ से आवाज़ आप लगा देंगे तो देखने वाले को लगेगा रियल में गोली चल रही। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ देखिए गाइस एक स्टाइल का ऑप्शन दिया गया, यहाँ स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे खुल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे खुल गए हैं, जैसे ये देखिए इसमें 9 फ्रेम है, ये स्टोरी दिया गया, बहुत सारे दिए गए। ये देखिए बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, जैसे मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा प्रोसेसिंग लगेगा फिर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में लग जाएगा, तो देख लेते हैं, हो जाए भाई जल्दी, ये थोड़ा टाइम लगेगा तो देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक गाइस देखिए, तो यहाँ पे डन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखना अभी अभी देखना, ये देखिए इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे, आप इसको जहाँ रखेंगे वहाँ ये हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी हम सिंगल हैं, ये देखिए 9 फ्रेम में हमारी वीडियो चेंज हो गई। ठीक है मेरे, अब मैं आपको बता देता हूँ फिल्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक फिल्टर का ऑप्शन दिया, फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं, आपको जो फिल्टर अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज करेंगे। कलर वाला यूज कर लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये देखिए, और इसका कलर कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना अच्छा लगे, ये देखिए यहाँ से आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे जितने आपकी वीडियो क्लिप, जैसे मैंने 4 क्लिप लिया हूँ तो सब में ये इफेक्ट लग जाएगा, फिल्टर लग जाएगा। ठीक मेरे दोस्त, ये फिल्टर लग जाएगा सभी में। ठीक, मुझे सिर्फ इसी क्लिप में लगाना है, तो बस यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे यहाँ देख लीजिए, जो यूज करना है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे यहाँ डन कर देना। ठीक है, ये हो गया। तो आइए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपना चेहरा यहाँ से ब्लर करना चाहते हैं या गोला लगा के कुछ अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी आपने रील देखा होगा या स्टोरी देखे होंगे, जो लड़का अपने गर्लफ्रेंड का लगाता है तो उसका चेहरा यहाँ से ढक देता है, तो वो कैसे होता है तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। यहाँ देखिए मौसी का एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे आपकी कोई खास लड़की या फ्रेंड व्रेंड हो तो साइड में हो, तो आप उसका चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो उसका चेहरा ढक सकते हैं, तो ये मौसी का ऑप्शन दिया होता है, सभी एप्लीकेशन में दिया होता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको देखिए सर्कल में रखना है तो ये देखिए, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो मैं इसका चेहरा ढक देता हूँ, ये मेरी ही वीडियो है, ये देखिए, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए बहुत सारे दिए गए, जहाँ जो चीज़ आपको अच्छा है स्टिकर दिया गया है, तो सर्कल वाला मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ देखिए एक ब्लर का भी ऑप्शन दिया है, इसको आप ब्लर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक कर देना, अभी देखना आप, ये देखिए मेरा चेहरा अभी दिख रहा, अभी देखना नहीं दिखेगा, ये देखिए मेरा चेहरा, यहाँ देखिए मेरा चेहरा समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा चेहरा ढक गया। अपने वीडियो बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए बीजी का मतलब होता है गाइस बैकग्राउंड, बहुत सारे एप्लीकेशन में बैकग्राउंड लिखा होता है, बहुत से एप्लीकेशन में बीजी, ये शॉर्टकट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म होगा बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लर कलर इमेज, ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्लर क्लिक करते हैं, देखिए 25%, 50%, 75%, 100%, अगर आपको 25 करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, डन कर देना है। ठीक है, अगर आपका वीडियो 50% ब्लर करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक कर देना है, ब्लर हो जाएगी। ठीक है,
और फिर बैकग्राउंड में चेंज करना है यहाँ कलर, ठीक है। तो इस वीडियो में तो हल्का छोट कर लेता हूँ। अब देखिए जो कलर आप यूज करेंगे ये देखिए वो कलर आपके पीछे लग जाएगा, ठीक है, हल्का से। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, मान लेते हैं लाल कलर पीला कर लेते हैं, ये देखिए पतला कर लेते हैं, आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं, आपको दिखा दूँ। ये देखिए पीछे हमारा लगा है, मुझे नहीं लगाना है तो मैं पूरा इसको फिर से उसी एंगल में कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए छोटा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ये देखिए हमारा पीछे देखिए ये लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर डन कर देना, ठीक है। यहाँ देखिए इमेज दिया गया, तो यहाँ बहुत सारी इमेज जो आपको अच्छी लगी, यहाँ देखिए बहुत सारी इमेज दी गई है, ये देखिए, तो आप यहाँ से यूज करेंगे। मैं आपको यू एक यूज कर देता हूँ, करके बता देता हूँ। डाउनलोड हो जा, ये डाउनलोड होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, ये देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, आपको जो नेचुरल वाला यूज करना है नेचुरल वाली यूज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो थोड़ा नेट स्लो हो गया, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा लग जाएगा, और मैं यहाँ डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हे गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ अपने वीडियो को रेशियो कैसे सिलेक्ट करना है। गाइस, आप वीडियो शॉर्ट के लिए बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील के लिए बना रहे हैं, या फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो किस वीडियो का क्या रेशियो होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ रेशियो पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ देखिए 1:1 से क्या होता है गाइस, अगर आप फेसबुक के लिए लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं तो उसका रेशियो होता है 9:9। इसी रेशियो से आप थंबनेल भी बनाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ 4:5, ठीक है, इसका भी आप इंस्टाग्राम में यूज कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फेसबुक के लिए वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, और पोस्ट बना सकते हैं। और यहाँ देखिए एक हमारा ऑप्शन दिया गया, मैं क्लिक कर देता हूँ 1:1, ये हमारा 1:1 में वीडियो है, ठीक है गाइस। ये हमारा 4:5 में वीडियो है, ठीक है। ये हमारा है 16:9, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब के लिए वीडियो होती है, ये वाली वीडियो जो हम ऐसे वीडियो शूट करते हैं ना, तो ये होते हैं 16:9, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हमारे YouTube के लिए लॉन्ग वीडियो के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं शॉर्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है इसका उल्टा, ठीक है, 9:16। ये हमारा देखेंगे आप वीडियो 16:9 गाइस, ये वीडियो ऐसे शूट की जाती है, ठीक है, ऐसे शूट की जाती है। ये वीडियो आप शॉर्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के रील बना सकते हैं, ये टिकटॉक के लिए वीडियो बना सकते हैं, टिकटॉक बंद हो गया है इंडिया में। आप ये रेशियो से अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो 9:16 आपको लेना है, ठीक है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं भी आप बना सकते हैं 9:16, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन यही 4 यूज होते हैं, 1:1, 4:5, 16:9, 9:16, ठीक है, यही 4 यूज होते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से आपको डन कर देना है बहुत सारे रेशियो। गाइस, अब मैं आपको बताता हूं अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग को कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए एक ऑप्शन दिया गया है हमको, ये देखिए एडजस्ट कर, ठीक है। यहां देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन से क्या होता है गाइस, सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी वीडियो कलर ग्रेडिंग जी आप पता नहीं कैसे शूट करते हैं गाइस, जैसे मेरे स्टूडियो में आप देखते होंगे, मेरा चेहरा देखते होंगे, तो गाइस हमारे स्टूडियो में थोड़ा महंगी लाइट लगी है गाइस। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप महंगी लाइट यूज कीजिए, आप बिना लाइट के वीडियो बाहर यूज कर शूट कर सकते हैं। आप पार्क में वीडियो शूट करते हैं या आप वीडियो कितने समय शूट करते हैं गाइस, आप अपने वीडियो को देखकर आप कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। आप अपने वीडियो में क्या बढ़ाना है क्या कम करना है गाइस, आप अपने वीडियो को देखकर कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। जैसे ये वीडियो मेरी पहले से कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, ठीक है, तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ हल्का से, ठीक है, देखिए कम कर दूंगा। ये देखिए जैसे आपको लगता है नहीं हमारे वीडियो में चटक कम है, ब्राइटनेस कम है, तो इसको आप बढ़ा देना है, ठीक है, आपको जितना अच्छा लगे, ठीक, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, ये देखिए हल्का से, सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ हल्का से, भाई ये मैं क्यों हल्का, इसको आपको नहीं यूज करना है, ठीक है, नहीं आपका चेहरा बेकार हो जाएगा, मैं इसको नहीं यूज करता हूँ, आप यूज कर लेना है अगर आपका मन करे तो, ठीक है। हाईलाइट को हल्का से बढ़ाना है, ठीक है। साइडो आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आप अपनी वीडियो के हिसाब से कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। इसको मैं हल्का से ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं हल्का से कम कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हल्का से बढ़ा लेता हूँ। आप खुद अपनी वीडियो को देखकर कलर ग्रेडिंग करना है, क्या चीज़ बढ़ाना है क्या चीज़ कम करना है, ठीक है। आप यहाँ जितने फीचर दिए गए हैं आप यहाँ सब में ट्राई करना है, ठीक है। एक वीडियो को बेकार कर देना है और फिर सब आप सीख जाएंगे किससे क्या होता है, ठीक है। फेड का मतलब ये हो गया,
हल्का सा बढ़ा देना अगर आपका मन के ये हो गए। तो गाइस यहाँ देखिए आप वीडियो कलर ग्रेडिंग हो गई है, आप अपनी वीडियो को देखकर कलर ग्रेडिंग करना है। और यहाँ देखिए अप्लाई टू आल, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई टू आल पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जितनी क्लिप है मतलब चार पार्ट के हम वीडियोज लिए हैं इसमें, तो चारों में कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप डन पे क्लिक करेंगे यहाँ पास तो क्या होगी, सिर्फ एक क्लिक में कलर ग्रेडिंग होगी। ठीक है, जैसे मैं पूरे में कलर ग्रेडिंग करना चाहता हूँ तो अप्लाई टू पे कर दूंगा, ये पूरे में हो जाएगा। ठीक, डन पे कर देंगे। ठीक गाइस, ये हो गई हमारी वीडियो कलर ग्रेडिंग, देख लेते हैं। ये देखिए हमारी वीडियो कलर ग्रेडिंग हो गई है। गाइस ये वीडियो उस समय की है जब मैं वीडियो एडिटिंग सीखने जाया करता था। ठीक है, तो इसके पीछे मैंने बहुत सारा पैसा खर्चा किया हूँ गाइस, आपको एक रुपए भी खर्चा नहीं करना है। आप जिस एप्लीकेशन से कहेंगे उस एप्लीकेशन कोर्स बना के हम आपको दे देंगे। उस एप्लीकेशन का नाम कमेंट कर देना, बता देना सर इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स बना दीजिए, हम उसके ऊपर कंप्लीट कोर्स बना देंगे। तो यहाँ देखिए गाइस बहुत सारे टूल दिए गए हैं, मैं इसके बारे में सभी के बारे में बता दिया हूँ। तो गाइस इसके अंदर भी टूल है, उसके बारे में ही अब हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ देखिए स्प्लिट के बारे में मैंने बता दिया हूँ, वीडियो में कट लगाना है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा एक ऑप्शन दिया स्पीड का, तो स्पीड से क्या होता है गाइस, अपनी वीडियो स्लो मोशन में बनाना है या फास्ट मोशन में बनाना है तो कैसे बनाना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, ओके, देखिए आप इस साइड आएंगे। ठीक है, स्लो मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्लो मोशन हो जाएगा। ठीक है, और आप इस साइड आएंगे, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, तो वीडियो पे क्लिक, स्पीड पे जाना है गाइस। यहाँ देखिए एक क्रॉप का ऑप्शन दिया गाइस, ये देखिए बहुत सारे दिए, ये देखिए इसको आप यूज करेंगे तो आप कहीं स्लो चलेंगे कहीं तेज चलेंगे, फिर स्लो होंगे फिर तेज चलेंगे। ठीक है, ये क्रॉप आपको यही बताएगा, कहीं स्लो फिर स्पीड फिर स्लो फिर स्पीड फिर स्लो। ठीक मेरे दोस्त, ये देखिए आराम से चलेंगे, एक बार की स्पीड बढ़ेगी फिर स्लो हो जाएगी, फिर स्पीड बढ़ेगी फिर स्लो हो जाएगी। तो यहाँ आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से यूज करेंगे, दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए वॉल्यूम के बारे में आप जानते हैं, आवाज़ कम कर सकते हैं या आवाज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या एक ऑप्शन दिया डिलीट का, डिलीट के बारे में आप जानते हैं, कोई भी चीज़ या कोई से पार्ट डिलीट करना हो तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डिलीट हो गई। ठीक है, ये तो देखिए गाइस यहाँ देखिए AI इफेक्ट दिया गया है, तो यहाँ देखिए आप अपना चेहरा चेंज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं, ये प्रोसेसिंग होगा फिर डाउनलोड हो जाएगा चेहरे में। ठीक है, आपका चेहरा चेंज हो जाएगा, डन कर देते हैं, देखते हैं चेहरा, ये देखिए चेहरा के चेंज हो गया। ठीक है गाइस, तो फिर वीडियो पे क्लिक करना है, तो इसमें इसी में आना है आपको, यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, तो आप जो यहाँ से आपको अच्छा लगे यूज कर लेंगे, डन पे क्लिक कर देंगे, लग जाए। आई गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रीम स्कीम वाली वीडियो में ग्रीम स्कीम को कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लेना है जो आप पीछे रखना चाहते हैं, तो प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ इमेज में जाना है आपको, जो जैसे इंसर्ट एप्लीकेशन को ले लेता हूँ, जैसे इसका रेशियो है हमारा, रेशियो क्लिक कर देता हूँ, ये रेशियो हमारा सेलेक्ट हो गया, इसको मैं क्लिक करके इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आना है मुझे, अब जो वीडियो लेना है PIP क्लिक करना है, अगर आपको वीडियो लेना है तो वीडियो ले लीजिए, अगर आपको फोटो लेना है तो ये फोटो है हमारा, ये देखिए। ठीक है, तो इसको मैं जूम जूम कर देता हूँ, ये सेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे इस साइड रखना है, ये देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर। ठीक है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर कटआउट पे क्लिक करूँगा, यहाँ देख क्रोमा की का ऑप्शन दिया है, कलर पीकर को यहाँ ला के छोड़ दूंगा। ठीक है, और इंसिटी को आपको बढ़ा देना है। ठीक है, हल्के से बढ़ाना है, साइड को हल्का से लगा देना है, ये और यहाँ क्लिक कर दें, ये देखिए हमारा लग गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाइस एक हमारा ऑप्शन दिया गया है वॉइस चेंज। ठीक है, वॉइस चेंज को कैसे चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस मेरी वॉइस है। ठीक है, अब मैं वॉइस चेंज करता हूँ, यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, ये देखिए आपको, ये गाइस मेरी वॉइस नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे दिए हैं, तो यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, ये भी दिए गए हैं, ये जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक कर दूँ,
एनिमेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेम इन फ्रेम आउट, फ्रेम इन का मतलब होता है वीडियो के शुरू में एनिमेशन कैसे लगाना है, फ्रेम आउट के मतलब क्या होता है वीडियो के लास्ट में एनिमेशन कैसे लगाना है। ठीक है, तो फ्रेम इन पे जाता हूं तो ये वाले में कर देता हूं, ये डाउनलोड हो रहा है, फिर डाउनलोड हो जाएगी लग जाएगा। ठीक है, जैसे जूम इन कर लेता हूं, डाउनलोड हो जाएगी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जब डाउन, ये देखिए हमारा नेट स्लो चल रहा है तो ये डाउनलोड हो जाएगा तो लग जाएगा, और यहाँ पे डन कर देना और वीडियो को लास्ट में लगाना है तो ये यहाँ पे क्लिक करना है। ये नाच रहा है अभी देख लीजिए, ये डाउनलोड नहीं हुआ है, नेट थोड़ा स्लो है तो ये लग जाएगा, तो यहाँ यहाँ डन कर देना है तो वीडियो के शुरू में लग जाएगा एनिमेशन और वीडियो के लास्ट में एनिमेशन लग जाएगा। ठीक है, तो गाइस एनिमेशन के बारे में बता दिया हूँ, एडजस्ट के बारे में बता दिया हूँ, फिल्टर के बारे में आपको बता ही दिया हूँ, बैकग्राउंड के बारे में बता दिया हूँ गाइस। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है मास के बारे में, गैस ये क्या होता है गैस, आप अपनी वीडियो सर्कल में बनाएंगे गैस। ठीक है, तो सर्कल में वीडियो बनाने के लिए आपको दो वीडियो की जरूरत होती है, एक आपकी कैमरे की वीडियो शूट हुई और आपकी एक फोन की स्क्रीन वाली वीडियो शूट हुई। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पीछे जो लगी है गैस, ये हमारा बैकग्राउंड लगा हुआ है और ये हमारी वीडियो एक लगी है जिसमें हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, या मुझे सर्कल में वीडियो बनाना है तो सर्कल में मैं जाता हूँ, ये देखिए यहाँ देख, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा गोला। ठीक है, तो आप ये जितना आपको दिखाना है सेट कर देना, फिर यहाँ डन कर देना। ठीक है गाइस, ये देखिए हो गया है, आप देख लेते हैं वीडियो, आप जो बोलेंगे ये देखिए सर्कल में वीडियो बन गए। जैसे हमने बैकग्राउंड लिया पीछे, आप अपने पीछे वाली वीडियो में मोबाइल की स्क्रीन वाली वीडियो आप लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो तो स्क्रॉल के बारे में आप जानते ही होंगे, इसको छोटा करना है या बड़ा करना है। ठीक है, तो ये हो गए कॉपी के बारे में, आप जानते ही हैं गाइस, कोई भी कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। ठीक, फ्रेज के बारे में गाइस, फ्रेज क्या होता है गाइस, आपकी वीडियो 3 सेकेंड में फोटो में चेंज हो जाएगी। ठीक मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐप में 2 सेकेंड में फोटो में चेंज होता है, बहुत सारे ऐप में 3 सेकेंड के लिए चेंज होता है। जैसे इसमें हम देखे फ्रेज कर देते हैं, ये देखिए फ्रीज हो रहा है हमारा वीडियो, फ्रीज हो रहा है, ये इसमें देखते हैं, इसमें गाइस देखिए 2 सेकंड के लिए फोटो में चेंज हो गया। ठीक गाइस, जैसे इन शॉर्ट अगर आप यूज करेंगे तो उसमें 3 सेकंड के लिए फोटो में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी देखिए ये वीडियो चल रहा है, अभी ये फोटो में चेंज हो जाएगा, ये देखिए हमारा फोटो में चेंज हो गया। ठीक गाइस, फ्रीज का मतलब यही होता है, जो आपकी वीडियो है ना वो फ्रीज कर देंगे तो फोटो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन, फिर वीडियो पे क्लिक करते हैं, फ्रीज कर दिए हैं, इसके बारे में सबके बारे में आप जान गए हैं, इसके बारे में सबके बारे में फ्रेज के बारे में जान गाइस। अब हम रिवर्स के बारे में बताते हैं गाइस, रिवर्स का मतलब ये होता है गाइस, आप जितना स्पीड से आगे जाएंगे अगर रिवर्स कर देंगे उतने स्पीड से आप पीछे आएंगे। ठीक है, तो मैं एक वीडियो ले लेता हूँ चलने वाली, तो यहाँ देख लेते हैं जो वीडियो चलने वाली है, तो ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये क्लिक कर दूंगा, ये आ गई हमारी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कट कर लेता हूँ, वीडियो पे क्लिक करूंगा, ये कट हो गया। ठीक है, ये वीडियो देखिए अभी आप, ये देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, अब देखना मैं, अब देखना इसको रिवर्स कर देता हूँ, ये वीडियो पे क्लिक करना, फिर यहाँ देखिए फ्रेज के बगल में एक रिवर्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये रिवर्स होने लगे। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, जिसे अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, ये वीडियो आगे जा रही थी, अब देखिए ये वीडियो पीछे जाएगी, ये देखिए, ये देख वीडियो पीछे आ रहे, अभी ये हमने वीडियो दिखाए थे आपको, वीडियो आगे जा रहे। ठीक है, ये भी हो गया, ये गाइस एक ऑप्शन दिया गया है गाइस रोटेट का, रोटेट का मतलब ये होता है गाइस, आप इसका जितने एंगल में सेट करना चाहते हैं ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक, जैसे मुझे इसको हल्का तिरछा करना 15, तो मैं यहाँ डन कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया, रिप्लेस, तो रिप्लेस कर देते हैं गाइस, कोई चीज़ यहाँ से यूज करेंगे तो लग जाएगा आपके वीडियो के बीच में। ठीक है, जैसे ये फोटो क्लिक कर दिए हैं, ये देखिए लग गया। ठीक है, ये लग जाएगा, ये वीडियो के ऊपर लग जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आप करेंगे जो रिप्लेस तो ये वीडियो के ऊपर लग जाएगा। ठीक मेरे दोस्त, जितने टूल दिए गए हैं सबके बारे में मैंने बता दिया हूँ गाइस, अभी आपका 4 टॉपिक छूटा है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ गाइस, आप वीडियो में की फ्रेम कैसे लगाएंगे, अपने वीडियो में ट्रांजिशन कैसे।
लगाएंगे। ठीक गाइस, तो देखिए गाइस मैं आपको बता दूं एनिमेशन और ट्रांजिशन में अंतर क्या होता है गाइस। तो एनिमेशन जो होता है आपके वीडियो के शुरू में लगता है, आपके वीडियो के लास्ट में लगता है, अपने पूरे वीडियो में एनिमेशन लगा सकते हैं। और ट्रांजिशन क्या होता है गाइस, आपके दो वीडियो के बीच में ट्रांजिशन लगता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, ये देखिए ट्रांजिशन हो गया। ये देखिए बहुत सारे इसमें ट्रांजिशन दिए गए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से यूज करेंगे। तो ये वाला हॉट पे आता हूँ, मैजिक वाला यूज कर लेता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा नेट मेरा स्लो है, तो ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसमें ट्रांजिशन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ ट्रांजिशन लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं अपने वीडियो में की फ्रेम कैसे लगाएंगे, वीडियो में और टेस्ट में की फ्रेम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो मैं टेस्ट में बता देता हूं की फ्रेम को कैसे लगाना है, आप वीडियो में उसी तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाता हूं टेस्ट एक लिख लेता हूं प्यारा से। जैसे मैं लिखता हूं वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एडिटिंग। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये देखिए बैकग्राउंड लगा देता हूं, ये ब्लैक लगा देता हूं। ठीक है, फॉन्ट चेंज कर देता हूं ये वाला, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। ये देखिए, ठीक है, तो यहां पे क्लिक करूंगा, एक हमको की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ की फ्रेम है। ठीक है, की फ्रेम पे क्लिक किया और इसको मैं नीचे लाऊंगा, फिर इसको मैं आगे ले जाऊंगा, फिर की फ्रेम पे किया, फिर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, फिर मैं की फ्रेम करूंगा, फिर इसको मैं साइड में लाऊंगा। अब देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह आप वीडियो में की फ्रेम लगा सकते हैं। ठीक गाइस, आई गाइस मैं आपको बता देता हूं टू लेयर वाली वीडियो को कैसे बनाना है। ठीक गाइस, प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लस पे, तो एक वीडियो आपको यहां से लेना है, ये वाली वीडियो ले लेता हूं, से ले लेना है, ये वीडियो आ गई है। एक वीडियो आपको यहां से पीआई पे से लेना है, यहां पे जाना है, मैं इसी वीडियो को ले लेता हूं। ये देखिए वीडियो आ गई है। ठीक है, तो इसको मैं फिट कर देता हूं, सबसे पहले फिट कर देना। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करना है, मास पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हल्का बढ़ा देना है। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे डन कर देना है। वीडियो देख लेते हैं, ये वीडियो देखिए हमारी एक क्यों एक ऊपर आ रही है, तो इसको अभी सोल्यूशन है मेरे पास। वीडियो पे क्लिक करना है, इस वीडियो को यहाँ जाना है, और इस वीडियो पे क्लिक करके हल्का से यहाँ लाना है। ठीक गाइस, अभी देखिए हमारी वीडियो सही से सेट नहीं हुई, तो अब हम क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है, मास्क पे जाना है, ये वाली लाइन जो है ना इसको हमको यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक गाइस, इसको हल्का से रखना है, ये थोड़ा बढ़ गया था, तो ये मैं डन कर देता हूँ। ये देखिए आप वीडियो देखेंगे ना, आप देख लेना है आपको, ये देखिए गाइस, देखिए अभी हमारी आगे पीछे आ रही, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के सेट कर देना है। ठीक है, ये देखिए गाइस, तो गाइस ये बीटा एप्लीकेशन है, इसमें थोड़ा दो बार में सेट होता है, बाकी आप कैपकट यूज कर रहे हैं, इंसर्ट यूज कर रहे हैं, आप वीएन यूज कर रहे हैं, तो एक ही क्लिक में हो जाएगा। ठीक गाइस, ये देखिए, और इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से जाना है आपको, मास पे जाना है, इसको और थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो आई गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ थ्री लेयर वाली वीडियो को कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं थ्री लेयर वाली वीडियो बनाने के लिए आप या कोई से वीडियो ले लीजिए जिसमें म्यूजिक ना हो, या कोई से इमेज ले लीजिए जो आपको लगाना है। ठीक है, जैसे इस वीडियो को मैं ले लेता हूँ, इसमें म्यूजिक नहीं है, अगर इसमें म्यूजिक है तो मैं इसके म्यूजिक को स्लो कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो अब मैं बताता हूँ थ्री लेयर, तो यहाँ से क्लिक करना पी आई पे, फिर जाना है आपको जो वीडियो लेना है। मान लेते हैं मैं ये तीन वीडियो शूट किया हूँ, एक वीडियो ये थोड़ा लोडिंग हो रही है गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये 100 तक जाएगा मेरे दोस्त, ये देखिए लग गया है, तो इसको सबसे पहले हम फिट कर लेते हैं। एक बात आपको बता दूं, जब आप थ्री लेयर वाली वीडियो बनाएंगे
तो आपको ऐसे वीडियो शूट करना है, ठीक मेरे दोस्त, ऐसे वीडियो नहीं शूट करना है, ठीक है, ये इस टाइप की वीडियो शूट करना है, 16:9, ठीक है, 16:9 ऐसे वीडियो शूट करना है, ठीक है, 3 लेयर के लिए, ठीक है। तो इसको बीच में सेट करना है, फिर आना इसी लाइन पे, PI पे क्लिक करना है, दूसरी वीडियो लेना है हमको, ये वाली, ये भी 100 तक जाएगी, लोडिंग हो रही है, तो हमको सेट करना है, इसको हमको नीचे सेट करना है, तो इसको भी हमको थोड़ा जूम करना पड़ेगा सेट करने के लिए। इसको थोड़ा बीच बिचारा सेट करना है, आगे पीछे नहीं, तीनों वीडियो को एक साथ सेट करना है। मैं एक वीडियो और ले लेता हूँ, फिर सेट करता हूँ सबको, एक वीडियो ये ले लेता हूँ, इसको मुझे ऊपर रखना है, मैं वीडियो को आगे ले लेता हूँ, वीडियो को आगे ले अब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वीडियो अभी हमारी सही सेट नहीं हुई, तो मैं सबसे पहले बीच वाली वीडियो को सेट करता हूँ, बीच वाली वीडियो को सेट करता हूँ, फिंगर का भी यूज कर सकते हैं आप सेट करने के लिए, ये हो गए, ऊपर वाली वीडियो को सेट करता हूँ। ये देखिए आप वीडियो, ये देखिए वीडियो, लेकिन ये देखिए आपकी तीनों लेयर जो होगी वो बराबर होनी चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। अब देखिए, देखिए कितनी मस्त लग रही वीडियो ना। ये देखिए गाइस, ये आपके मैंने पूरा बीटा का एप्लीकेशन फ्री में कोर्स आपको दे दिया हूँ गाइस। अब आपका एक टॉपिक बचता है गाइस, आप वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ देखिए क्लिक करना है आपको, आपको यहाँ देखिए जो जितने क्वालिटी वीडियो एक्सपोर्ट करना हो आप यहाँ से करना है आपको। यहाँ देखिए मैंने फुल HD में किया हूँ, 1080 में, ठीक है। यहाँ से आप अगर 720 में करना चाहते तो यहाँ क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ मैं फुल HD वीडियो को एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, 1080। यहाँ देखिए एक्सपोर्ट लिखा है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए स्पोर्ट होने लगेगी, ठीक मेरे दोस्त। तो ये देखिए 100 तक जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नया कोर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।